Hello friend, this is Sivam Sagar in front of you. Today we have to start one of the most important topic of class 12 CBSE 2020. That is solid state. Solid state इस साल फिर से जुड़ गया है क्योंकि ये पिछले साल class 11 में था और इस साल फिर से add हो चुका है class 12 में. तो इसका आप सभी को पता है सबसे important part जो होता है वो numericals होता है और हर साल class 12 के board exam में इस पे numerical आता ही आता है, definitely आता है. तो हम लोग न्यूमेरिकल वाला पार्ट ही कवर करने वाले हैं. तो न्यूमेरिकल ऑफ सॉलिड स्टेट चलिए पढ़ते हैं. देखिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जिससे पढ़ने में थोड़ी और आसानी हो जाए. टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड. टाइप फर्स्ट में हम लोग वो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जिसमें हमें फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निकालना हो. क्या निकालना हो? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. टाइप सेकंड में जो ER के बीच में रिलेशन होता है उनसे जो फॉर्मूले आते हैं उन पे जो न्यूमेरिकल होंगे वो टाइप सेकंड में पढ़ेंगे. टाइप थर्ड, डेंसिटी के फॉर्मूले पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो हम लोग किस पढ़ेंगे? टाइप थर्ड पे. तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट. अब लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर हमने चैप्टर नहीं पढ़ा. चैप्टर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती. बिना चैप्टर के भी आप न्यूमेरिकल सीख लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट. अच्छा एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सीखने से पहले कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी ही पड़ेंगी. चलिए सर क्या याद करना है बिल्कुल देख लीजिए. सम इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूब. क्यूब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको बहुत कॉमन है, सभी को याद होगी, पर जिसको याद नहीं है वो याद कर ले. देखिए यहां पे क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं? हाँ 8 होते हैं सर. कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. तो क्यूब में कॉर्नर कितने हो गए? 8. फेस, फेस मतलब दीवारें. एक कमरे में कितनी दीवारें होते हैं? 6. एक इसके सामने 2, ऊपर 3, नीचे 4 और इस तरफ 5, इस तरफ 6. सर इसमें बता दीजिए, देख लो जरा ध्यान से. मान लो एक दीवार है, 1, 2, 3 ठीक है, 4 और ये 5 हो गई और इसके पीछे कितनी होगी? 1, 6. तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए फेस कितने हो गए? 6 हो गए. सर बॉडी सेंटर, क्यूब में कितने सेंटर होते हैं? 1 सेंटर. कितने? 1. तो बॉडी सेंटर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर. तो कितने होता है? 1. सर एजेस, ये देख रहे हैं आपको लाइनें, ये एजेस होती है 1, 2, 3, 4 क्लियर है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो एजेस कितनी होगी? 12. आप कहां हैं कोई मतलब नहीं है, आप बस डायरेक्ट याद कर लीजिए. कॉर्नर कितने होते हैं? 8. कितने होते हैं? 8. फेस कितने होते हैं? 6. कितने होते हैं? 6. बॉडी सेंटर 1 होते हैं और एजेस कितनी होती है हमारी? 12 होती है. कितनी होती है? 12. आपको याद हो गई होंगी. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल. अच्छा यूनिट सेल जब भी बोले तो समझ लेना क्यूब ही बोल रहे हैं. क्लियर है? सर कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब सर क्या होता है? एक बात याद रखनी है, अगर कोई क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट है, क्यूब के कॉर्नर पे, तो क्या उसका पूरा पार्ट प्रेजेंट है? नहीं, कुछ पार्ट प्रेजेंट होगा, कुछ पार्ट बाहर, क्यूब के बाहर. तो इसका मतलब है कॉर्नर पे अगर कोई एटम है तो उसका कितना हिस्सा एक क्यूब के अंदर प्रेजेंट है? तो आप याद कर लीजिए कॉर्नर पे कितना हिस्सा प्रेजेंट होता है? 1/8 एक एटम का. और फेस सेंटर पे एटम का कितना हिस्सा प्रेजेंट रहता है? 1/2. बॉडी सेंटर पे पूरा का पूरा 1. क्यूब के अंदर अगर हम किसी चीज को रख दे तो वो तो पूरे एटम ही प्रेजेंट होगा, तो उसका पूरा हिस्सा रहता है 1. सर ए सेंटर में, अगर कोई ए सेंटर में तो 1/4. ये आप याद कर लीजिए. कैसे? कॉर्नर पे कोई है तो कितना प्रेजेंट होगा? 1/8. फेस सेंटर पे 1/2, बॉडी सेंटर पे 1 और ए सेंटर पर 1/4, इतना हिस्सा एटम का प्रेजेंट होगा. और कॉर्नर होते कितने हैं? 8. फेस सेंटर कितने होते हैं? 6 और बॉडी सेंटर 1 और एज सेंटर 12. चलो सब आ गया समझ में. चलिए अब बस दो चीजें आपको और याद करनी है. सर क्या याद करना? नंबर ऑफ एटम. नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल में क्या क्या होते हैं जरा ध्यान से देख लीजिए. SC का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. इसी का दूसरा नाम होता है CCP. क्या नाम होता है? CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग. सर HCP का नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. सर इसमें हमें क्या याद करना पड़ा? एटम. देखो निकालते हैं पर हमें निकालना नहीं सीखना, डायरेक्ट कितने एटम होते हैं बस ये याद करना है. याद करने की ट्रिक है S फॉर मान लीजिए क्या होता है? सिंगल. सिंगल का मतलब 1. B फॉर बाई. बाई मतलब 2. F का मतलब पता होता है 4. तो क्या हो गया? 4 एटम. H फॉर बेटा हेक्सा मान लेते तो क्या हो गया? 6. ये पहले वर्ड से अपने मतलब में मतलब मान लिए उससे एटम निकाल लेते. S फॉर सिंगल मतलब 1. B फॉर बाई मतलब 2.
एफ फॉर फोर और एच फॉर हेक्स। सर सीसीपी आ गया पेपर में, तो बेटे इतना तो तुम्हें याद होना चाहिए कि सीसीपी का मतलब क्या होता है, एफसीसी और एफसीसी आप नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे। एक चीज आपको याद रखनी है, अगर नंबर ऑफ एटम कितने हमारे एन, क्या है एन, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने होंगे 2n, जितने एटम होते हैं उसके डबल क्या होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और ऑक्टेट्रल वॉइड जितने एटम उतने ऑक्टेट्रल वॉइड। एग्जांपल अगर नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल 4, ऑक्टेट्रल वॉइड जितने एटम है उतने हमारे क्या होंगे ऑक्टेट्रल वॉइड। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग लगाएंगे। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसको न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, ओके लिखिए आप।